युद्ध की स्थिति से जूझ रहे यमन के मध्य प्रांत मारिब में रविवार को एक विस्फोट में बारूदी सुरंग हटाने वाले 5 विशेषज्ञों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकार समर्थक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 5 मृतक विदेशी विशेषज्ञ थे जो बारूदी सुरंग हटाने की सऊदी प्रायोजित एक परियोजना पर काम कर रहे थे। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि वे किस देश के थे। अधिकारी ने बताया कि ये विस्फोट तब हुआ जब बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के लिए ले जाया जा रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यमन के संघर्ष में मार्च 2015 से लेकर अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट बताया है।